हमारे कोलकाता के सभी गायत्री परिजनों, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ये बड़ा सुखद संयोग है कि एक समय ऐसा आ रहा है, एक दिन ऐसा आ रहा है जिस दिन आप लोग वृक्षारोपण करेंगे। इस वर्षा के मौसम में आप लोग निश्चित रूप से करते हैं, परंतु जो एक जो सबसे अभूतपूर्व काम हुआ है वो हुआ है कि एक भी रविवार चूका नहीं है, हर रविवार को वृक्षारोपण किया है आदरणीय प्रहलाद जी के बेटे रवि के माध्यम से और रवि की टीम के माध्यम से। ये जो बड़ा कार्य संभव हुआ है इसके लिए मैं भावभरी बधाइयाँ देता हूँ। और ये 300वां सप्ताह है, इसे कल्पना की जा सकती कि एक भी संडे मिस नहीं हुआ है। आज हर आदमी अपना संडे किसी खास काम के लिए रिजर्व रखता है कि मैं इस दिन परचेजिंग करूँगा, मैं इस दिन घूमने जाऊँगा, परंतु ये बालक तो 300 संडे से कहीं गया ही नहीं। 300 संडे से बराबर निरंतर इसकी टीम और ये मिलकर के वृक्षारोपण करते रहे पूरे। अगर कलकत्ता को हरा करने का सौभाग्य किसी को मिलेगा, कोलकाता को एक प्रकार से पुनः सांस लेने का मौका मिलेगा, जो कि वहाँ की हवा में प्रदूषण इतना ज़्यादा है, मिले हैं और विभिन्न प्रकार की आज की फैक्ट्रीज जो आ गई हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो जंगल कटने से और पेड़ कटने से नए नए मकान, बड़े बड़े कई बहुमंजिले मकान बन जाने से जो आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे सब जगह की स्थिति यही है। पर कोलकाता के पर्यावरण को बदला है इस बालक ने, और मैं इस बालक के साहस की सराहना करता हूँ कि इतना बड़ा काम तुमने किया है रवि, तुम्हारी पीठ पर मैं यहाँ वहाँ होता तो तबके लगाता, पर मैं चिन्मय से कहूँगा कि वो तुम्हारे पीठ पे तुम्हें सराहना करे एंड तुम्हें ये बताए कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। 300 सप्ताह तक कंटिन्यूस वृक्षारोपण, और वो संख्या कितनी उससे मतलब नहीं, 50 है कि 100, मुझे याद है 250वां वृक्षारोपण यही हुआ था, जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में विद्यापीठ के कैंपस में। और बाकी इसके बाद फिर 50 कैसे बीत गए संडे पता भी नहीं चलता, और एक साल पूरा बीत गया, 50 संडे निकल गए और फिर से आ गया। ये करीब करीब 6 वर्ष से 7 वर्ष से चल रही अनवरत साधना है, और ये अनवरत साधना वास्तव में ऐतिहासिक है। इसका गुरुदेव उदाहरण देते थे हजारी किसान का, कि हजारी किसान ने रोज़ 10 पेड़ लगाना चालू किया आम के। उसने देखा कि सारे पेड़ ख़त्म हो गए, किनारा कट रहा है, गंगा के आसपास पूरा के पूरा उजाड़ सा हो रहा है। तो हजारी किसान ने हजारी बाग जिला जिसके नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर उसने 1000 आम के पेड़ लगाए, फिर 1000 आम के पेड़ मल्टीप्लाई किए उसने, ऐसे 1000-1000 करके उसने करीब 1 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए, और उसी के नाम पे हजारीबाग नाम रखा गया। तो गुरुदेव उसका उदाहरण देते थे, कहते थे वृक्षारोपण एक परम पुनीत पुण्य है, आप अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो आप एक प्रकार से आप न जाने कितने पुण्यों को एक साथ अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि एक वृक्ष जो है वो हमें हजारों वर्षों तक जीने की शक्ति देता है। अब मैं देखता हूँ मित्रों कि शहरीकरण की होड़ में, औद्योगिकरण की होड़ में, और भारी भरकम मशीनें सब कुछ, और बड़े बड़े मल्टी स्टोरी जो मकान बन रहे हैं इनको बनाने की होड़ में, इनमें रहने की होड़ में लोग पेड़ काट रहे हैं। हमारे हरिद्वार में हम जहाँ रहते हैं यहाँ अंधाधुंध पेड़ कटते हैं, जबकि हम निरंतर लगा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 650 से ज़्यादा पेड़ आम के थे जब हमने खरीदा था 99 में, जब हमने भूमि पूजन किया था, और भूमि पूजन के बाद से लेकर आज तक हमने एक पेड़ भी नहीं काटा है। सारे पेड़ यथावत हैं, कुछ जो नेचुरल डेथ को प्राप्त हुए उनके बदले में हमने नए पेड़ लगा दिए। इस तरह से हमने 650 पेड़ जिंदा रखे हैं, और उन्हीं के बीच में कंस्ट्रक्शन किया पूरा, जो जैसे पेड़ हैं तो पेड़ के बीच में से ऐसे होते हुए बिल्डिंग बनाई है हमने। तो उसको देख करके लोग उस लैंडस्केपिंग को देख करके बहुत प्रसन्न होकर जाते हैं। तो ये जो कार्य है वृक्षारोपण का, ये मेरा पुनीत कार्य है, और वास्तव में
फिर कहा जाए कि अगर हर व्यक्ति अपने पितरों की स्मृति में, अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने पिता और माता की स्मृति में, अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह दिन पर, अपनी शादी के दिन, जिस दिन शादी हुई उस दिन एक पेड़ लगा दे, तो ये सारी धरती जो है शस्य श्यामला हो जाए। पर अब समस्या क्या है कि पेड़ लग तो जाते हैं पर उनको संभालने की, संवारने की व्यवस्था नहीं होती। रवि ने ट्री गार्ड भी लगवाए सब जगह, और आप चाहें तो उसके 300 वीक में लगाए गए पेड़ों को, क्योंकि हो सकता है, मैं मुझे ऐसे अंदाज है करीब 15 से लेकर 20,000 से ज़्यादा होंगे पेड़ उसके, उनको आप गिन सकते हैं कि कब कब कौन कौन से लगाए गए। टेम्पलेट भी लगाई गई हैं। ये बहुत बहुत ही सुंदर काम है। गायत्री परिवार के रचनात्मक कार्यों में एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वृक्षारोपण। हमने इस साल 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, तो उसमें से हम 60 लाख लगा चुके, 40 लाख इस साल लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम अगले साल से हर साल 1 करोड़, इस तरह से 10 साल तक 10 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। और जो नदियां हैं हमारी, उनके किनारों पे हरी चुनर पहनाने का काम करेंगे। हरी चुनर का मतलब है कि आप वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष जो होते हैं ग्लेशियर होते हैं ज़मीन पे, जो आस इसमें पहाड़ पे जो ग्लेशियर हैं वो तो अपना काम कर देते हैं, पिघलते हैं, नदी निकलती है, नदी नीचे आती है, और नदी के किनारे जितने भी हैं उनको मेंटेन करने का काम अगर कोई करता है तो वृक्ष करते हैं। वृक्ष कटते जा रहे हैं, घाट बन गए नए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए। अभी 3 साल पहले एक दुर्घटना घटी थी, आपको मालूम होगा, केदारनाथ में, जिसमें कि मंदाकिनी, जो कभी इतना रौद्र रूप में नहीं आती, उस मंदाकिनी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, और देखते देखते किनारे के सारे, मैं तो देख के आया हूँ अपनी आँखों से, मैं, चिन्मय जी जी, हम सब लोग गए थे, अपनी आँखों से हम लोग देख के आए कि किस तरह से एक विनाशकारी घटना घटी है। और यही काम हुआ है चमोली साइड में, जहाँ अलकनंदा के किनारे इतने लोगों ने बड़े बड़े होटल, 5-स्टार होटल बना रखे हैं। हमारी डिमांड है ना, हम संसार में हैं, हम भगवान से नहीं जुड़े हैं, हम संसार में हैं। संसार में हैं तो हमको सुविधा चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो भी एयर कंडीशन चाहिए हमको। तो वो 5-5 मंजिल के, 6-6 मंजिल के, 7-7 मंजिल के भवनों को मैंने धराशायी होते देखा है। मैंने देखा है किस तरह से वहाँ की जब बाढ़ आई तो वो पूरे के पूरे गिरते चले गए ताश के पत्तों की तरह से नीचे अंदर के। मित्रों, ये तब होगा जब प्रकृति अपना रोष दिखाएगी, प्रकृति अपना क्रोध दिखाएगी। प्रकृति इस समय बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, और इस प्रकृति के आक्रोश को बचाना है तो वृक्षारोपण को हमें एक परम पुनीत पुण्य मान के करना ही पड़ेगा। रोज एक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक ट्री गार्ड लगा दो। कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में 5 गमले तुलसी के लगा दो, और उन्हीं के माध्यम से आप अपने वृक्षारोपण को मान लो कि भैया हमारे घर नीचे ज़मीन तो नहीं है, हम तो 9वीं मंजिल पर रहते हैं, तो वृक्ष तुलसी लगा दो। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप अपने यहाँ लगा सकते हैं, अपने अपने घर में अंदर इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। जितने भी ही ऑक्सीजन फेंकते हैं, जितनी ऑक्सीजन ये देता है, उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करेंगे तो 15 से लेकर 25 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन एक वृक्ष दे देता है सारे साल अपने जीवन काल में, यदि काटे नहीं तो। काटने की परंपरा ब्रिटिश लोगों ने चालू की, जब उन्होंने काट काट के यहाँ से टिम्बर भिजवाया है इंग्लैंड, वहाँ के फर्नीचर बने हैं, वहाँ के मकान बने हैं तब, और यहाँ से जहाज में भर भर के लकड़ी जाती थी, अब भी जाती है। अब गांव से शहर आती है, जंगल से शहर आती है, और शहर गिने चुने कितने होंगे मित्रों, अंदाज से करीब 50 बड़े बड़े शहर जहाँ इन लकड़ियों का दुरुपयोग होता है, और लकड़ियों से अमीरों के, पैसे वालों के फर्नीचर बनते हैं, कुर्सी टेबलें बनती हैं, डबल बेड बनते हैं, और डेकोरेशन होता है, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह सब होता है। हमें सचेत होना पड़ेगा। गुरुदेव ने एक लेख लिखा था कि कहर ऐसे बरसेगा जैसे देखते देखते पूरा विनाशकारी कहर आएगा, तो ऐसे बरसेगा कि देखते देखते सब नष्ट हो जाएगा। वो समय आए और धारा का तापमान बढ़ता चला जाए, वैसे भी 2.5 डिग्री सेल्सियस पिछले 100 साल में बढ़ा है, अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए, 0.5 से लेके 1.5 और बढ़ जाए, तो आप ये मान करके चलिए कि हालत ख़राब हो जाएगी। अभी कल मैंने न्यूज़पेपर में, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक फ़ोटो देखा
कि अबू धाबी में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और उस 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से वहाँ की जो ट्रैफिक लाइट की जो कवरिंग्स हैं, जो कि रबर कवरिंग्स हैं वगैरह, सब पिघल करके उसके ऊपर लाइट के ऊपर गिर रही हैं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या हो सकता है 60 डिग्री में, क्या होगा, आप पूरी तरह से आपका पापड़ बन जाएगा, आप पूरी तरह से गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए अपने घर में बैठे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे लोगों को ये समझ में नहीं आता, जब ये कहर बरसेगा तब पता चलेगा। इसलिए हम अभी से सचेत हो जाएं। आपके बीच में मेरा आना तय था, मैं 4 दिन का कार्यक्रम लेके आ रहा था, और 4 दिन के कार्यक्रम में मैं चाहता था कि मैं सबकी गोष्ठी लूँ, बंडल की भी लूँ, अपने गायत्री चेतना केंद्र की भी लूँ, 32 नंबर की भी लूँ, और रवि के इस 31 जुलाई के 2016 के कार्यक्रम को भी मैं ही कर दूँ, परंतु शायद मंजूर नहीं था, कुछ विघ्नकारी तत्व बीच में आ गए और उन्होंने मेरा चिंतन को बदल दिया। मैंने सोचा अभी नहीं, अगले साल, मैं अगले साल आऊँगा और निश्चित रूप से आऊँगा और आ करके रवि के इस यज्ञ में, भले वो 300 हुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ, कम से कम 312 तो होगा, 313 तो होगा, कोई ना कोई तो होगा, तो मैं उसमें भागीदारी करूँगा। और अभी आपके बीच में हमारे युवा उत्साह के प्रतिमूर्ति हैं हमारे चिन्ह में, हमारा बेटा है, हमें उस पर गर्व है कि उसने संभाल लिया अच्छी तरह से अपने काम को, वो आ रहा है, वो आपको इसके लाभ भी बताएगा और आपको ये भी बताएगा कि किस तरह से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। मैंने रवि के साथ मिलकर के संडे को पेड़ लगाए सवेरे, क्या मैं दिन में कहीं और लगा सकता हूँ, क्या शाम को कहीं लगा सकता हूँ, कुछ नहीं तो छोटे छोटे पौध कहीं लगाई जा सकती हैं क्या? और इस तरह से अगर वृक्षारोपण अभियान को गति दी जा सके तो हरितिमा संवर्धन परम पूज्य गुरुदेव का बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। जितना स्वच्छ पर्यावरण होगा और जितना हरितिमा से भरा पर्यावरण होगा उतना ही स्वस्थ जीवन होगा। आज जो स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है, सिरदर्द से लेकर के और नींद न आने से लेकर के और दुनिया भर की जो परेशानी हो रही है, पागलपन और शिजोफ्रेनिया और मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारा केवल इसी वजह से कि पेड़ कट रहे हैं। पेड़ काटना बंद करिए, पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाना चालू करिए, ये हमको अभियान तीव्र गति से चालू करना पड़ेगा। हमने एक सौभाग्य से हमें टीम अच्छी मिली और हमने अविरल गंगा अभियान चालू किया है। अविरल गंगा अविरल बहती रहे और स्वच्छ गंगा बहती रहे, 10 साल का हमने अभियान हाथ में लिया 2016 के वसंत पंचमी से। इस 2016 के वसंत पंचमी से 2026 तक वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी तक, अखंड दीपक जिस दिन जला था उस दिन 1926 में जला था, 2026 तक हम इस गंगा को स्वच्छ करेंगे, और स्वच्छ ही नहीं करेंगे, गंगा के दोनों किनारे हम हरे भरे कर देंगे, आप देखिएगा परिवर्तन आ जाएगा। ये इतना बड़ा काम होगा, इतना बड़ा काम होगा, ये पूरे गायत्री परिवार का न केवल यश बढ़ाएगा बल्कि हमारे भारत का पुनः वो वाला ऐश्वर्यशाली स्वरूप, जिसमें ये कहा जाता था कि भारत में घी दूध की नदियाँ बहती थी, जहाँ से घी दूध निकले अर्थात समृद्धि निकले वो वैसी नदियाँ होती थी, ऐसा एक स्वरूप बनने वाला है 10 साल के बाद। तो हम लोग उसमें, उस अभियान में भागीदारी करें, वृक्ष गंगा अभियान, गंगा जलाभिषेक अभियान, तटों की स्वच्छता का अभियान, ये सब साथ जुड़े हुए हैं, ये सब साथ जुड़े हुए अभियान हैं। इन सब में जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि आप एक नए भारत को जन्म दे रहे हैं। युवा शक्ति में बहुत बल होता है, रवि युवा है, एक तकलीफ से ग्रसित है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से, इसके बावजूद भी रुका नहीं वो, उसने अपनी परेशानी को, अपने स्वास्थ्य को कारण नहीं बताया कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा, वो काम करता रहा, निरंतर काम करता रहा और आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मैं रवि को खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, प्रहलाद जी को आशीर्वाद देता हूँ, प्रहलाद जी ने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मिशन के कामों को आगे बढ़ा रहा है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद।